और 22 लाख रुपए लूटकर हमलावर मौके से फरार हो गए। मामला सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत सर्किट हाउस चौराहे का है। इस घटना को दो बाइक सवार 5 नकाबपोश बदमाशों ने अंजाम दिया। सिटी कोतवाली थाना पुलिस सभी हमलावर की तलाश कर रही है और इस सनसनीखेज वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी है। सर्किट हाउस चौराहा स्थित सेंट्रल बैंक के सामने उस वक्त हड़कंप मच गया जब 5 नकाबपोश बदमाश द्वारा लूट और हत्या की घटना को अंजाम दिया। मृतक का नाम संजय सिंह है, जो शराब ठेका कंपनी भाटिया ग्रुप का मुंशी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रोजाना की तरह भाटिया ग्रुप का मैनेजर संजय सिंह शराब दुकान का कैश लेकर सेंट्रल बैंक में जमा करने के लिए आया था। जैसे ही वो अपनी चार पहिया वाहन से चौराहे स्थित सेंट्रल बैंक के सामने पहुंचा, तभी दो बाइक सवार में 5 नकाबपोश बदमाशों ने लगातार 3 फायरिंग किए, जिनमें से एक गोली संजय सिंह के सर पर लगी। जैसे ही संजय सिंह के सर पर गोली लगी, उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। संजय सिंह के हाथ में पैसों से भरा बैग था। बताया जा रहा था कि उस वक्त बैग में 22 लाख रुपए कैश मौजूद था, जिसे वो बैंक में जमा करने के लिए आए थे। चार पहिया वाहन में संजय सिंह अपने ड्राइवर के साथ था। हमलावरों ने उनके हाथ से पैसों से भरा बैग छीना और मुक्तियारगंज की तरफ फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिली और मौके पर पहुंची। घटना की वजह से इलाके में दहशत पसरी हुई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान करने में जुटी है। हालांकि प्रथम दृष्टया पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा है। बताया जा रहा है कि लूट की घटना को अंजाम देने के कारण संजय सिंह की हत्या की गई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एक सेकंड। वीडियो हवा लग रही है कि ऐसा से हादसे हो गए। कुछ बनाया वीडियो देवी लगा हुआ है जी। सेंटर पे कार का उदाहरण है। सेंटर पे संजय सिंह की मौत। अभी तक सर कुछ प्रथम दृष्टि अभी तक हम लगातार ट्रैफिक क्यू हमारे पास मिले, लगातार उस पर काम कर रहे हैं। जल्दी कितना कैश का लगभग बात सुनाने की बात।